स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे इस वीडियो में आ, हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हमारे मार्जिनल एंड एब्जॉर्पन कॉस्टिंग के चैप्टर की प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस के लिए आपके सामने कुछ एम सी क्यूज है अच्छा मार्जिनल एंड एब्जॉर्पन कॉस्टिंग का आप लोगों को आई होप के सारा का सारा आइडिया होगा ये कुछ रिकनसीलिएशन के फॉर्मेट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए और लॉजिकली पता होने चाहिए इसकी लॉजिक और इसका इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो सारी आपसे पिछले लेक्चर्स में डिस्कस करी गई है अगर आपको ये दो फॉर्मेट्स लॉजिकली मालूम है पता है तो आप आराम से इस चैप्टर को कर सकते हैं सो चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप लोग मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट जानते हो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है और साथ में ये जो दो फॉर्मेट्स है रिकनसीडरेशन के इस पर आपकी अच्छी ग्रिप है अब हम चलते हैं सवाल पर सेवन बी पॉइंट वन द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर पीरियड नंबर नाइन ओपनिंग इन्वेंट्री के दस हजार यूनिट्स क्लोजिंग इन्वेंट्री के आठ हज़ार यूनिट्स हैं एब्जॉपन कॉस्टिंग का प्रॉफिट टू एटी थाउजेंड वॉट वुल बी दी प्रॉफिट फॉर पीरियड नंबर नाइन यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट इसमें से क्या होगा आपको ये बताना है अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि हम शायद रिकनसिलियशन से ये सवाल कर सकते हैं लेकिन जो एक चीज यहाँ पर मौजूद नहीं है वो ये है कि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक यूनिट में कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स इंक्लूडेड होंगे अगर हम विकन्सिलिएशन बनाए तो हमारे पास प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें पता है विच इज टू इसमें से हमें माइनस करना होता है लेस करना होता है एज पर रिकनसिलियशन अगर मुझे मार्जिन कॉस्टिंग प्रॉफिट पर पहुंचना है तो इसमें से मुझे लेस क्या करना होता है प्रॉफिट एस पर एब्सॉर्पन कॉस्टिंग में से लेस करना होता है फिक्स्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है और एड करना होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स को इन ओपनिंग स्टॉक तो हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं

लास्ट पीरियड फॉलोज कम्पेयर कॉस्टिंग फॉर द पीरियड प्रॉफिट फॉर द पीरियड द एब्जॉर्न कास्टिंग प्रॉफिट फॉर प्रोडक्ट ऑफ दिन अच्छा आप एज्यूम कर लें प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन लेट से हम यू ही एज्यूम कर लेते हैं प्रॉफिट एज पर एबजॉर्प्शन कास्टिंग पचास हज़ार है ऑल दो हमें दिया हुआ नहीं है लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट से अगर प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्पन कास्टिंग पचास हजार है अगर हम इस एजम्पन के साथ चलें तो फिर इसमें से लेस क्या होगा इसमें से लेस हो रहा होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक और एड क्या हो रहा होगा फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक अच्छा फिक्स्ड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा क्लोजिंग स्टॉक के ट्वेंटी सेवन हंड्रेड यूनिट्स हैं हर यूनिट को तीन घंटे लगते हैं और पर आवर ओवरहेड्स ऑप्शन एट जो है वो फोर दिया हुआ है ठीक है जी इसी तरह फिक्स ओवर इन ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा ओपनिंग स्टॉक के चौबीस सौ यूनिट्स हैं हर यूनिट तीन घंटे में बनता है और ओवर हेड्स अब्जॉपन रेट फोर पर आर दिया हुआ है सो so, ये वाली वैल्यू जो हमें लेस करनी है वो बनती है ट्वेंटी सेवन हंड्रेड इंटू थ्री इंटू फोर और ये वाली वैल्यू जो हमें ऐड करनी है बनती है ट्वेंटी फोर हंड्रेड इंटू थ्री इंटू फोर और ऐसा करने से हमारे पास क्या आ जाता है ऐसा करने से हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ अब ये मैंने एज्यूम किया था ये मैंने एज्यूम किया था कि अगर प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिफ्टी थाउजेंड हो तो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होगा इस, इस एज्शन की बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कंपेयर्ड विद दी मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द दीरियड इसको मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द पीरियड The the absorption costing profit profit, for product will be which of the following? marginal profit, marginal costing वाले profit को, आप absorption costing वाले profit से कंपेयर कर ये देखें कि absorption costing वाला profit क्या होगा ज्यादा होगा या कम होगा तो marginal costing वाला जो profit है वो forty six thousand four hundred है

देखिए आप कोई भी अमाउंट एज्यूम कर लें आप 50 के बजाय इसको 60 कर दें 70 कर दें 80 कर दें जितना इसको चेंज करेंगे उतना ही ये भी चेंज होगा लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना एक्चुअली हो क्या रहा होगा ये आपने इस चीज को एनालाइज करना ये क्या है थर्टी सिक्स हंड्रेड आ रहा है थर्टी टू फोर हंड्रेड और ट्वेंटी एट एट हंड्रेड थर्टी टू फोर हंड्रेड और ट्वेंटी एट एट हंड्रेड को अगर आप नेट ऑफ करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है आपके पास जो है वो नेगेटिव का क्या आंसर आता है नेगेटिव का थर्टी सिक्स हंड्रेड आंसर आता है यानी कि लेट से अगर मैं अगर मैं इसको अगर मैं इसको सेवेंटी थाउजेंड भी कर लेता हूं तो ये तो इतना ही रहेगा ये भी इतना ही रहेगा अगेन मेरे पास जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का वो सेम ही आ रहा होगा ठीक है अगेन मेरे पास दोनों का जो डिफरेंस आ रहा होगा अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा कि भाई सेवेंटी में और सिक्सटी सिक्स फोर हंड्रेड में क्या डिफरेंस है तो वो डिफरेंस मेरे पास अगेन

क्लोजिंग के जो यूनिट्स हैं वो ओपनिंग से कितने ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट ट्वेंटी सेवन हंड्रेड है ओपनिंग स्टॉक के यूनिट ट्वेंटी फोर किसी भी सवाल में किसी भी सवाल में इफ देर इज इंक्रीज इन दी लेवल ऑफ स्टॉक स्टॉक का लेवल इंक्रीज हो रहा हो जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक का लेवल इंक्रीज हो रहा स्टॉक का लेवल पहले ट्वेंटी सेवन हंड्रेड पहले ट्वेंटी फोर हंड्रेड था अबो ट्वेंटी सेवन हंड्रेड हो गया स्टॉक के लेवल का मतलब यह है कि इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी हुई है पहले जो तो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई होती थी वो ट्वेंटी फोर हंड्रेड यूनिट्स होती थी आपका ओपनिंग स्टॉक है वो यूनिट्स यूनिट्स पर पर था लेकिन अब आपका क्लोजिंग स्टॉक है यानी कि आपकी इन्वेंट्री का लेवल इंक्रीज हुआ चेंज इन स्टॉक इज थ्री हंड्रेड यूनिट्स या देर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक लेवल देर इज एन इंक्रीज इन स्टॉक लेवल ऑफ थ्री हंड्रेड यूनिट्स अगर आपका याद रहे कि स्टॉक लेवल इंक्रीज हो रहा होगा तो माइनस वाली अमाउंट जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी प्लस वाली अमाउंट कंपैरेटिवली कम होगी और हमेशा आपका एब्जॉर्न का जो प्रॉफिट होगा वो मार्जिनल से ज्यादा ही होगा अगर स्टॉक का लेवल इंक्रीज हो रहा है एबजॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज मोर देन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट ये मैं आपको लॉजिकली एक बात बता रहा हूँ अगेन रिकनसिलेशन पर आपका आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए ये आपसे इंशाल्लाह हो जाएगा अगले पर आते हैं इन अ पीरियड वर ओपनिंग इवेंट्री विद फिफ्टी थाउजेंड यूनिट ए क्लोजिंग इन्वेट्री विद ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स अफाइड प्रॉफिट अन थर्ट थाउजेंड यूज दी एब्जॉर्प्श कॉस्टिंग इफ दी फिक्स ओव रेट एब्बॉशन वॉज डॉलर एट पर यूनिट द प्रोफिट यूज दार्जर कॉस्टिंग वीच ऑद फॉलोइंग बड़ा आसान है प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लिखते हैं प्रॉफिट एज पर एबजॉर््पन कॉस्टिंग वन थर्टी थाउजेंड इसमें से लेस करना है क्या लेस करना है इसमें से हमें जो चीज लेस करनी है वो है हमारे फिक्सडर फिक्स ओवर रेट्स इन क्लोजिंग स्टॉक

जो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है वो पंद्रह हजार यूनिट्स है और इसमें एट के हिसाब से एट के हिसाब से वन ट्वेंटी थाउजेंड के ओवर हेड है सो प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्सन कॉस्टिंग लेस फिक्स ओवर इन क्लोजिंग स्टॉक एट फिक्स इन ओपनिंग स्टॉक यू प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आपका प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया जो कि नाइन्टी थाउजेंड आ रहा है क्लियर है जी ठीक है जी अच्छा उसके बाद फिर अगला यानी कि ये नाइनटी थाउजेंड हो गया ठीक है अच्छा उसके बाद है कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस डिटेल्स फॉर प्रोडक्ट जेड आर एस फॉलोज डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवर फिक्स ओवर रेट प्रॉफिट और फिर सेलिंग प्राइस बजटेड प्रोडक्शन फॉर द मंथ वॉज फाइव थाउजेंड यूनिट टू प्रोड्यूस फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट्स सेलिंग फिफ्टी टू हंड्रेड ऑफ देम एंड इनकरिंग फिक्स ओवरेज कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द मंथ अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग आपको प्रॉफिट बताना है Uh, मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो आप चाहो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हो और आप चाहो तो कुछ रिकनसीलेशन के तरह के मामला कर सकते हो बारह अगर मैं इस तरह से करूँ कि सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करूँ पाँच हज़ार और दो सौ चीज़ें मैंने बेची हैं पाँच हज़ार दो सौ चीज़ें जो मैंने बेची हैं उसकी सेलिंग प्राइस थर्टी के हिसाब से सो मेरा जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इन टू थर्टी यानी कि वन फाइव सिक्स ट्रिपल जीरो हो जाएगा अच्छा जी ये जो हमारे सेल्स रेवेन्यू है इसमें से हम लेस कर देंगे सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एक वेरिएबल कॉस्ट है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वेरिएबल वेरिएबल है एक तरीका तो ये है कि पांच हजार दो सौ यूनिट्स इन टू सिक्स मटीरियल के सेवन पॉइंट फाइव लेबर के सिक्स मटीरियल के और सेवन पॉइंट फाइव लेबर के सिक्स प्लस सेवन पॉइंट फाइव वेरिएबल वेरिएबल के यानी मैं सारी की सारी की कर दूं 5, 16. और इससे मेरे पास आ जाए मेरी कंट्रीब्यूशन जो के 72, so, कि सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक किसी को कोई मसला होगा और इसमें से मैं लेस कर दूं अपनी फिक्स कॉस्ट की वैल्यू कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग और फिक्स कॉस्ट जो इनकर हुई है वो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड सो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा जो आपकी प्रॉफिट की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही है एंड ठीक है जी ये एक पॉसिबल तरीका है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड का आंसर आ रहा है आई होप क्या आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा हम कंप्लीट पीएनएल भी बना सकते थे जिसमें हम सेल्स रेवेन्यू लिखते फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड इन थर्टी उज 30 से हमारा सेल्स रेवेन्यू आ जाता उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है फिर प्रोडक्शन लिखते हैं uh, प्रोडक्शन के कितने यूनिट्स हैं बजटेड प्रोडक्शन पांच हजार यूनिट्स है एंड द कंपनी मैनेज टू प्रोड्यूस फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट्स कंपनी ने पांच हजार आठ सौ यूनिट बनाए सोलह रुपए के हिसाब से उसकी वेरिएबल कॉस्ट जब हम अपने पास मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो यूनिट्स में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं नाइनटी टू थाउजेंड आता है माइनस करते हैं पाँच हजार आठ सौ में से पाँच हजार दो सौ यूनिट्स तो छे सौ यूनिट्स बच गए जिनकी सोलह रुपए के हिसाब से जो वैल्यू बनती है वो यहाँ पे लिख देते सिक्सटीन हंड्रेड सॉरी सिक्स हंड्रेड इन टू सिक्सटीन इससे हमारे पास क्या होता है इससे हमारे पास uh, इससे हमारे पास भाई वैल्यू आ जाती कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की ठीक है ना जो हमारी वेरिएबल वैल्यू है वेरिएबल कॉस्ट है अगिन इसको माइनस कर देते हम तो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू सेवेंटी टू थाउजेंड एट हंड्रेड आ जाती इस तरह से भी हम कर सकते थे सॉल्व ठीक है जी इस तरह से करने से में भी कोई हर्ज नहीं है अगर हम इस तरह से सॉल्व करते तो भी हम इसमें से फिर अपनी लेस कर देते फिक्स कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट है वो हमें दी हुई है ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड तो हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया हमारे पास जो प्रॉफिट बच गया वो फोर्टी फाइव थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड का बच गया है ये हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर होता ठीक है जी अच्छा इज कॉस्टिंग प्रॉफिट फॉर द मंथ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी पूछा जा रहा है आप इकनसिडियशन बना सकते हो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में से अगर लेस कर दें फिक्सड ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक अच्छा क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स हैं और कितना ओवर एड्स रेट है आपने ओवर एड्स रेट जब कैलकुलेट किया तो वो मेरे ख्याल में आपके पास कितना आ रहा है पांच आ रहा है ठीक है बजटेड प्रोडक्शन फॉर द मंथ तो यूनिट्स और ऊपर आपके पास पांच लिखा हुआ पाँच हजार इंटू पाँच पच्चीस हजार के आपके ओवर होंगे बजटेड और आपके फिक्स ओवर जो आ रहा है यहाँ पर वो पांच आ रहा है ठीक है ये जो आपके पास यहाँ वाली वैल्यू है तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने छः सौ यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के छः सौ यूनिट्स हैं छः सौ को आप मल्टीप्लाई कर दें पाँच से और आपके पास प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपको दिया हुआ है वो फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड है अच्छा, अच्छा अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर रिकन्शन uh, में तो एट फिक्स इन ओपनिंग स्टॉक भी किया जाता है देखें ये आ, इस सवाल में कंपनी का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है ओपनिंग स्टॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी दे देगी तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि एक्स माइनस थ्री थाउजेंड यानी कि लेस फिक्स ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग विच इज फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड सो आपका जो एक्स होगा वो हो जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड फोर्टी एट थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड यानी कि सेवन बी पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है फोर्टी एट थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड यानी कि आंसर आपका डी हो जाएगा सही है जी अच्छा यहाँ पर हमने एब्जॉपन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एक तरीके से कैलकुलेट किया क्या हम किसी और तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे क्या हम कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर कर सकते थे बिल्कुल कर सकते थे उस केस में हम सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू लिखते वो तो सेम ही होता उसमें से फिर क्या होता उसमें से फिर हम लिखते हैं यहाँ पर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक हमारा कुछ भी नहीं होता प्रोडक्शन के है हमारे पास यहाँ पर पाँच हज़ार आठ सौ यूनिट्स है लेकिन जब हम एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम एक यूनिट में जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो दोनों इंक्लूड करते हैं तो सोलह नहीं बल्कि इक्कीस पर इसको वैल्यू करते और हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आती ये आ जाती पाँच हजार आठ सौ इंटू इक्कीस उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक छे सौ यूनिट्स है एक यूनिट की वैल्यू इक्कीस रुपए है सो so, यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आता है छ सौ इंटू इक्कीस छो इन इक्कीस के बाद ये हमारे पास वन जीरो नाइन टू डबल जीरो हो जाता क्या कोई अंडर ओवर अप्लाइड है जी हाँ अंडर ओवर अप्लाइड भी इस सवाल में एग्जिस्ट करता है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि अंडर ओवर अप्लाइड ढूंढने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है ओ कैलकुलेट करना ओ सवाल में पांच दिया हुआ है फिर हम एब्बॉर्ब कैलकुलेट करते हैं एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं ओ ए आर को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं तो हमने पाँच हज़ार आठ सौ यूनिट्स बनाए हैं हम अगर पाँच को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाँच हज़ार आठ सौ यूनिट से तो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड मेरा एब्जॉर्ब आता है इसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल ओवरहेड से हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड ओवर सवाल में दिए हुए हैं वो कितने जनाब हमारे सवाल में जो हमें एक्चुअल ओवरेट दिए हुए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड दिए हुए हैं वो सो so, हम इसको कंपेयर करते हैं ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड से जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा एबजॉर्ब ज्यादा आ रहा है तो हम कहते हैं कि भाई ओवर आ रहा है और ओवर एबजॉर्ब कितना आ रहा है सोलह सौ का ओवर एडजॉर्ड आ रहा है अगर आपके पास ओवर हेडजॉर्ब आ रहा होता है अगर आपके पास ओवर एड्जॉर्ब आ रहा होता है तो ओवर एब्जॉर्ब जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम बुक होता है इनकम रिकॉर्ड होता है यानी कि ये तो वन जीरो माइनस होने वाली वैल्यू है ठीक है लेकिन आपके पास जो ओवर एब्जॉर्ब की वैल्यू है वो यहाँ पर एड होगी यानी कि इनकम के, के तरह पर रिकॉर्ड करी जाएगी तो ओवर एब्जॉर्ब आएगा ओवर एब्जॉर्ब है सोलह सो का 156,000 में से 109,200 माइनस और 1600 ऐड so 48,400 हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट इस ग्रॉस प्रॉफिट में इस ग्रॉस प्रॉफिट में से, से फिर सब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते जो सवाल में नहीं है तो हमारा फोर्टीट थाउजेंड फोर हंड्रेड डायरेक्ट आंसर आ जाता है मैंने दोनों तरीकों से किया ताकि आप दोनों तरीके देख लें आप लोगों तो के लिए फायदेमंद फायदेमंदी पॉइंट सिक्स इन पीडियर कम्पीडिंग इन थर्टी वन थाउजेंड यूनिट क्लोजिंग इन्वेटी ऑफ थर्टी फोर थाउजंड प्रोफिट बेड मार्जेट क्रॉसिंग एट फाइव जीरो फाइव हंड्रेड प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्शन कॉस्टिंग नाइन फाइव 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 हंड्रेड इफ द बजेटेड टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर दिन इन यूनिट अच्छा जी रिकनसी को अगर मैं हॉर्जोंटली लिखू प्रोफिट एज पर एब्जॉर्न कॉस्टिंग में से लेस किया जाता है एड किया जाता है फिक्स ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक को और ऐसा करने से आपके पास प्रोफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाता है यहां पर आपके पास प्रॉफिट एस पर एब्जॉप कॉस्टिंग नाइन फाइव 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 डबल जीरो दिया हुआ है इसमें से हमें लेस करना चाहिए क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक थर्टी फोर थाउजेंड यूनिट्स है एज्यूम कर लो कि ओवर एड्स एब्जॉप रेट है एक्स एज्यूम करो कि ओवर एड्स एब्जॉर्न रेट है एक्स क्योंकि जब ओवर एड्स एब्जॉप रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिक्स ओवर रेड्स आते हैं

आपको बजटेड लेवल ऑफ यूनिट्स ढूंढने हैं। आपको बजटेड लेवल ऑफ यूनिट्स ढूंढने हैं, लेकिन आपके पास बजटेड हैं, यानी कि ये इन टू बजटेड इस तरह से तो अब आपके पास बजटेड आ सकते हैं आपके बजटेड यूनिट्स हो जाएंगे 1, 8, 3, 7, 5, 00, 35, कि 52, जी

प्रोडक्शन के ओवरहेड्स एड एब्सॉर्ब करने के लिए कौन सी बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं आप किसी भी बेसिस को इस्तेमाल कर सकते हो आपका ओवरहेड्स रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स हो सकता है बेस्ड बेस्ड ऑन ऑन लेबर आवर्स हो हो सकता सकता है है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट बेस पर यूनिट हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इसका तो बड़ा सिंपल सा आसान सा जो सवाल का जवाब है वो है ऑल यानी कि सी अगर आप देख रहे हैं तो उसमें ऑल आ रहा है सारे ऑप्शन सेवन बी पॉइंट नाइन पर चलते हैं अंडर एबजॉर्पन कॉस्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल इंक्लूड जब हम एब्सॉप्शन कॉस्टिंग करते हैं देखिए जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक यूनिट की जब वैल्यू ढूंढते हैं तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल ओवरहेड्स को शामिल करते हैं रूल क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में रूल ये होता है कि ऑल वेरिएबल कॉस्ट ऑल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट जितनी भी वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो यूनिट्स का हिस्सा बन जाती है हम उसको यूनिट की कॉस्ट में शामिल कर लेते हैं अच्छा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या रूल होता है अगर हम एबजॉप्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम शामिल करते हैं ऑल फिक्स्ड एंड ऑल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि इसमें हम लोग डायरेक्ट मटेरियल को भी इंक्लूड करते हैं हम डायरेक्ट लेबर को भी इंक्लूड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी वेरिएबल ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करते हैं और फिक्स ओवरहेड्स को भी यूजिंग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इसमें इंक्लूड किया जाता है ठीक है सारी की सारी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है सो so, अब यहां पर क्या हो रहा है आपसे वो ये पूछ रहा है कि मैं जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करता हूँ तो यूनिट में क्या क्या कॉस्ट शामिल करता हूँ अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट विल इंक्लूड इसका आंसर क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट ओनली सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करता हूँ नहीं डायरेक्ट कॉस्ट ओनली सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करता हूँ वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स इंक्लूड करता हूँ और ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अ शेयर ऑफ फिक्स ओवरहेड्स सारी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करता हूँ सिवाय फिक्स ओवरहेड्स के ऐसा नहीं है फिक्स ओवरहेड्स को भी इंक्लूड करता हूँ तो इसका आंसर आखिरी वाला होगा यानी कि ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जितनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जितने भी ओवरहेड्स होते हैं

फिक्स ओवर इन क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के कितने साढ़े सात सौ यूनिट्स है यहाँ पर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है साढ़े सात सौ यूनिट है और एक यूनिट में पांच सौ पे शामिल करनेवर रेट्स इन ओपनिंग स्टॉक फिक्स ओवर रेट्स इन ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स है तीन सौ यूनिट्स है और हर यूनिट में आपके पास पांच डॉलर ओवर रेट्स के हैं तो आपके पास प्रॉफिट प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो आ जाता है और वो यहाँ पर दिया हुआ है सेवेंटी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड सो आप ये कह सकते हो कि प्रॉफिट पर या एक्स एक्स माइनस माइनस में से जब थ्री फाइव ज़ीरो होगा और फिफ्टीन हंड्रेड एड होगा तो वो इक्वल होगा सेवन थ्री टू सेवन टू थ्री डबल जीरो के एक्स की आपको वैल्यू ढूंढनी है एक्स आपके फिक्स जो है वो प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्पन कॉस्टिंग था पंद्रह सौ माइनस थ्री सेवन फाइव जीरो और टू टू फाइव जीरो आता है तो सेवन टू थ्री डबल जीरो प्लस टू टू फाइव जीरो सेवन फोर फाइव फाइव जीरो सेवन फोर फाइव फाइव जीरो सेवन फोर फाइव फाइव जीरो ठीक है जी सेवन फोर फाइव फाइव जीरो आपका आंसर होगा यानी कि आपका प्रॉफिट पर एब्बॉप्शन द करंट सेलिंग प्राइस इज डॉलर टेन हाउ मच प्रॉफिट इज मीड एंड मास्टर काल्स टू फिफ्टी यूनिट्स अगर कंपनी ने टू फिफ्टी यूनिट्स बेची टू फिफ्टी यूनिट्स की आपके पास सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास टू फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स हैं और एक यूनिट आप दस रुपये का बेचते हो टू फिफ्टी यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप जो है वो टू हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड्स बेचते हो और यह टू फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स में आपके पास एक यूनिट में जो वेरिएबल कॉस्ट शामिल है वो कितनी शामिल है सिक्स uh, की शामिल है छः की शामिल है सो so, आपके पास ये हो जाएगा टू फिफ्टी थाउजेंड इंटू टेन और ये आपके पास हो जाएगा टू फिफ्टी थाउजेंड इंटू सिक्स तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन की जो वैल्यू आ जाएगी ना वो आ जाएगी कितनी टू फिफ्टी थाउजेंड में से एक मिनट रुकी जरा सही है

कि फिक्स कॉस्ट जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी के लेवल से डिवाइड होकर निकली भी होती है तो आपका प्रॉफिट जो आ रहा है वो छाख आ रहा है ठीक है जी अगला कंपनी विच यूज मार्जिन कॉस्टिंग एज प्रोफेटर्टी सेवन फाइव हंड्रेड फॉर अ पीरियड ओपनिंग इन्वर्टी बस वन हंड्रेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग इन्वर्टी थ्री द फिक्स प्रोडक्शन रेट इज डॉलर फोर पर यूनिट वॉट वॉज दी वॉट इज दर एब्सॉर्न कॉस्टिंग प्रॉफिटिंग स्टॉक इन ओपनिंग स्टॉक हंड्रेड इन टू फोर इज इक्वल टू प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग यानी थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है फोर्टीन हंड्रेड

उसके बाद बजटेड सेल्स आर वन वन सेवन सेल्स जो है ना वो वन वन सेवन टू जीरो यूनिट्स है इसका मतलब आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा जो आपके पास तो स्टॉक बच जाएगा अगर आपने बारह हजार यूनिट्स बनाए ग्यारह हजार सात सौ बीस यूनिट्स बेचे तो दो सौ अस्सी यूनिट आपके पास बच जाएंगे देख अगे देख अगे देख अगे देख अगे देख वो हमें नहीं पता मेरे ख्याल में हमें ये पता है कि लेस फिक्स इन क्लोजिंग स्टॉक फिक्स इन क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स होंगे यूनिट्स होंगे और फॉर दिस मंथ द बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरेड आर फोर्टी एट थाउजेंड एंड बजटेड प्रोडक्शन ट्वेल्थ थाउजेंड अच्छा देखिए आपके फिक्स ओवर हेड्स आपने सोचा था कि फॉर्टी एट थाउजेंड होंगे और अब बारह हजार बनाओगे यानी कि आपका ओवर हेड्स एब्सॉर्शन रेट कैसे आएगा फॉर्टी एट थाउजेंड डिवाइड बाई ट फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई टॉप्शन रेट आ जाता है फोर का आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है टू एटी यूनिट्स है और एक में आपके पास चार का ओवर शामिल है तो वन वन टू जीरो प्रॉफिट एज पर एब्जॉपन कॉस्टिंग में से माइनस होगा तो आपके पास प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा यानी कि प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग होगा एक्स माइनस वन वन टू जीरो विच मीनस के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट अगर एक्स होगा तो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट जो है वो एक्स माइनस होगा

स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक करोगे वेरियंस एनालिसिस करोगे तो उसमें ये एमसीक्यू डिस्कस होगा फिलहाल मैं करवा देता हूँ आपका एक चीज कहलाती है अब ये जो की मैं बात कर रहा हूँ ये की बात आप पढ़ते हो जब आप ये की बात आप तब पढ़ते हो जब आप अपने पास वेरियंस एनालिसिस का चैप्टर कर रहे हो तो फिलहाल ये चीज यहाँ पर आ गई है इसका एक फॉर्मूला होता है बजटेड फिक्स ओवर माइनस एक्चुअल फिक्स ओवर ठीक है जी इससे आपके पास फिक्स ओवेरिट्स का वेरियंस आता है उससे आपको ये बोला है कि लास्ट मंथ पिछले महीने एक्चुअल फिक्स ओवेट एक्सपेंडिचर वो टेन परसेंट अब द बजट जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर थे वो बजट से दस परसेंट ज्यादा थे रिजल्टिंग इन एक्सपेंडिचर थर्टी सिक्स थाउजेंड जिसकी वजह से आपका छत्तीस हज़ार रुपये का फिक्स ओवेरिट्स एक्सपेंडिचर वेरियंस आया था उसका मतलब यह है कि वेरियंस ये कहलाता है कि भाई आपके जो खर्चे थे एक्चुअली वो बजट से ज्यादा थे या कम थे

सो so, ये हो जाएगा माइनस का थर्टी सिक्स थाउजेंड इज इक्वल टू माइनस का जीरो पॉइंट वन एक्स और एक्स की वैल्यू क्या आएगी डिवाइडेड यानी कि के X जो है थर्टीडेड थ्री सिक्सेंड आ रहा होगा यानी कि एज पर बजट एज पर बजट क्योंकि एक्स की जगह हमने लिखी थी ना ये वैल्यू सॉरी बजट की जगह लिखी थी तो आपका बजट जो था ना वो ये था कि आपके खर्चे जो है वो थ्री सिक्सटी थाउजेंड होंगे आपका बजट ये कह रहा था कि आपके खर्चे थ्री सिक्सटी थाउजेंड होंगे एक्चुअल खर्चे इससे दस परसेंट ज्यादा थे यानी कि दस परसेंट अगर हम इसमें इसी का ऐड कर दें या इसको वन पॉइंट वन से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअल खर्चे मेरे थ्री नाइन्टी सिक्स थाउजेंड है तो जो वेरियंस आ रहा है जो वेरियंस आ रहा है मेरा वो वेरियंस जो है वो थर्टी सिक्स थाउजेंड का एडवर्स आ रहा है जैसे कि ऊपर लिखा हुआ था ठीक है जी वेरियंस का क्या मतलब है वेरियंस का मतलब ये है कि जो आपके पास एक्चुअल खर्चा था वो बजट से ज़्यादा था और कितना था ज्यादा थर्टी सिक्स थाउजेंड और थर्टी सिक्स थाउजेंड का एडवर्स वेरियंस इशो कर रहा था कि एक्चुअल खर्चे ज्यादा था ज पर एबजॉप कॉस्टिंग फोर्टी थाउजेंड इसमें से लेस हो जाएगा फिक्स ओवर रेट्स इन क्लोजिंग स्टॉक फिक्स ओवर रेट्स इन क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे फिक्स ओवर रेट्स इन क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ये अट्ठारह हजार और ओवर हेड्स रेट दो के दस है। इसमें कर देंगे इन ओपनिंग स्टॉक के कितने सोलह हजार पांच सौ यूनिट है, है कि से? से? और एक यूनिट पर कितना ओवर हेड शामिल होता है टेन तो आपका प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाएगा और प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो पच्चीस हजार बन रहा होगा ज प्रॉफिट वॉज टू थाउजेंड कैल्कुलेटेडिंग वॉट वज द लास्ट मंथ्स प्रोडक्शन पिछले महीने की प्रोडक्शन क्या थी ठीक है प्रॉफिट एज पर एब्सॉर्शन कॉस्टिंग कितना है costing, अच्छा इसको इक्वेजन की फॉर्म में लिख लेते हैं अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग माइनस फिक्स ओवर इन क्लोजिंग स्टॉक एड फिक्सड ओवर इन ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छा प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमें दिया हुआ है और वो दो हजार रुपए का है इन क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है वो नहीं पता है लेकिन ओवर रेट पता है एक्चुअली वैल्यू कैसे आती है क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इंटू टू और फिक्स ओवर एड्स इन ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स नहीं पता ओवर एड्सॉप्शन रेट पता है तो ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स इंटू टू इज इक्वल टू प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग और वहां पर तीन हजार का लॉस हुआ तो माइनस तीन हजार अब उल्टे हाथ वाला दो हजार जो है वो सीधे हाथ पे वाले तीन हजार की तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा और यहां पर राइट साइड पर क्या होगा माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इंटू टू प्लस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स इंटू टू इज इक्वल टू माइनस का पांच हजार एक री? अच्छा अब दोनों साइड्स को टू से डिवाइड करते हैं चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए और जो पॉजिटिव वाली चीज है उसको पहले लिख दें तो ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स में से बल्कि चले दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले पांच हजार के साथ वाला माइनस हट जाए तो ये जाएगा क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इंटू टू माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स इंटू टू इज इक्वल्स टू पांच हजार टू राइट साइड पर जाएगा दोनों साइड्स को डिवाइड करेगा तो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक यूनिट्स इज इक्व टू पच्चीस सौ अब ये चीज क्या डिनोट कर रही है ये चीज़ ये चीज डिनोट कर रही है कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स यूनिट्स में से ओपनिंग स्टॉक के को माइनस करेंगे तो आंसर पच्चीस इन अदर इन अदर वर्ड्स क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक से पच्चीस सौ ज्यादा है आपसे प्रोडक्शन के यूनिट्स मांगे गए थे आपको ये मालूम होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड उसके बाद अगर मैं प्रोडक्शन देखूं तो प्रोडक्शन के लिए हम कहेंगे प्रोडक्शन इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स फिर प्रोडक्शन की वैल्यू अगर फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोडक्शन की वैल्यू के लिए यूनिट्स जो सोल्ड है यूनिट सोल्ड जो है ना यहां से अगर हम लिखते हैं इसको यूनिट सोल्ड यूनिट सोल्ड कितने है? दस हजार यूनिट बेचे अच्छा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू जो है ना वो कितनी है वो पच्चीस सौ है कैसे ऊपर से देखिए ऊपर आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स की वैल्यू है यानी कि ये जो सी एस माइनस एस एफ जी की वैल्यू है वो पच्चीस सौ आ रही है सो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और बारह हजार एंड पांच सौ हमारा आंसर बन जाएगा बारह हजार और पांच सौ ठीक है जी सो so, बारह हजार पांच सौ हमारे पास यानी सेवन बी पॉइंट वन सिक्स का आंसर डी होगा आगे चलते हैं सेवन बी पॉइंट वन सेवन एच एम एफ कंपनी प्रोड्यूसिस सिंगल प्रोडक्ट

प्रॉफिट एस पर एब्जॉर्पन कॉस्टिंग हमें नहीं दिया हुआ हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लेट से दो लाख ठीक है अगर आप एज्यूम नहीं भी करेंगे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन सही आंसर रहेगा आप बना कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें इसमें से लेस क्या होता है लेस इसमें से होता है फिक्स ओवर रेट इन क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के फिक्स ओवर रेट्स कैसे आएंगे हमने ओवर एड्स एब्जॉर्शन रेट कैलकुलेट किया रेट कैलकुलेट करने के लिए बजेटेड फिक्स ओवर रेट को बजट डिवाइड करते हैं कितने यूनिट्स यूनिट्स आपके पास 300 हैं और हर यूनिट में आपके पास जो है वो 200 का इसी से इसमें है, कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक के कितने सवाल के हिसाब से नौ सौ यूनिट सो so आपके पास प्रॉफिट एज पर मार्जिन कॉस्टिंग आ जाएगा और प्रॉफिट एज पर मार्जिन कॉस्टिंग तीन लाख बीस हजार होगा यानी कि इस सवाल में हो यह रहा है कि आपका जो एबजॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है मार्जन कॉस्टिंग का प्रॉफिट उससे ज्यादा है या एब्जॉर्न कॉस्टिंग का प्रॉफिट मार्जिन से एक लाख बीस हजार रुपए कम है तो इससे पूछा था कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट अगर हम उसको मार्जिन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से कंपेयर करें तो क्या होगा तो एक लाख बीस हजार कम होगा यानी कि सेवन बी वन सेवन का डी आंसर होगा

अच्छा देखिए 2000 यूनिट्स जो वो है वो प्रोड्यूस हुए प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स की है और सेल्स कितने यूनिट्स की है थाउजेंड यूनिट्स की है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स कितने क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक के कितने हजार यूनिट्स है और क्लोजिंग स्टॉक के जो यूनिट्स होते हैं इधर ओपनिंग स्टॉक के कोई यूनिट नहीं है क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज्यूम कर लो कि लेट से एक लाख है

the following data is available on the production and sales for the first three years of a company's new product production in units, year 1, 2, or 3 key, sales key, units, year variable cost per unit, selling price, and total fixed cost per year were constant over the three years period. the company is considering the use of either marginal or absorption costing, which of the following statement is our true absorption costing will show a lower profit than marginal costing in year number one? Deekhe, year number one, mein kya hoga? year number one, mein क्या आपने यह नंबर वन जो है ना आपके पास यह नंबर वन है यह नंबर टू है और यह नंबर थ्री है आपकी यह नंबर वन की प्रोडक्शन कितनी है पाँच हज़ार यूनिट्स यूनिट सोल्ड कितने हैं यूनिट सोल्ड जो है वो चार हज़ार है अच्छा अगले साल क्या है छः हज़ार छः हज़ार चार हजार पाँच हज़ार अच्छा टोटल क्या है टोटल आपने जो है वो पाँच छः और चार टोटल आपने पंद्रह हज़ार यूनि बनाया पंद्रह हज़ार यूनिट्स ही बेचे अच्छा शुरू में तो कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा आपने आपके पास इतने यूनिट्स थे इतने आपने और बनाए पाँच हज़ार में से चार हज़ार बेच दिए तो हज़ार क्लोजिंग स्टॉक है ये हज़ार जो इस बार के क्लोजिंग स्टॉक है अगली बार का ओपनिंग स्टॉक होगा अगली बार का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना होगा अगली बार का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस तरह से आएगा कि आपके पास हज़ार यूनिट्स थे फिर आपने छः हज़ार और बनाए और इसमें से छः हज़ार बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक हज़ार होगी उससे अगली बार का जो ओपनिंग स्टॉक होगा वह हजार होगा अब आपने हजार में हजार थे आपने चार हजार और बनाए और फिर उसमें से आपने पांच हजार भेज दिए तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा अब यहां पर अगर हम रिकनसिडेशन पर आते हैं प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्पन से कुछ भी नहीं है पहले साल की बात करता हूँ तो यहाँ से हम फिक्स ओवर इन क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे फिक्स ओवर इन क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने का मतलब यह हजार यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई ओ एर ये माइनस होगा तो पहले साल का जो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग है जाहिर सी बात है वो एब्जॉपन से कम ही आ रहा होगा इसलिए क्योंकि के हिसाब से इन इन ओपनिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं है फिक्स ओवर तो इन ओपनिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं है तो जो भी एब्जॉपन कॉस्टिंग का प्रॉफिट है उसमें से कोई अमाउंट माइनस होनी है और फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आना है हजार यूनिट से और हर यूनिट के अगेंस्ट जो है ओ एआर की वैल्यू चल रही है वो दस चल रही है तो सॉरी ओ एर की जो वैल्यू चल रही है उससे हजार मल्टीप्लाई होगा अब फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो माइनस होगा तो प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा एज्यूम कर ले चले आसानी के लिए आप एज्यूम कर लेकिन वो दस हजार है ऐसे एज्यूम कर लें लाख एज्यूम कर लें दस हजार ना भी करें तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं लेकिन लेट से ये वैल्यू एक लाख है तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हजार यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स है मल्टीप्लाइड बाई पांच यानी कि ये या आ जाएगी आपकी पांच और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी आपके पास

अच्छा देखिए ये नंबर टू सॉरी ये टू ये है और ये थ्री ये है नंबर के वो यूनिट्स हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में यूनिट की एक यूनिट की एक प्रोडक्ट की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल किया जाता है यानी कि डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस वेरिएबल प्रोडक्शन को और जब एबजॉर्पन कॉस्टिंग की हम वैल्यू मालूम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की तो उसमें फिक्स ओवरहेड्स का हिस्सा भी शामिल होता है तो हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग का जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कम आती है एज्यूम कर ले डायरेक्ट मटीरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसिस और वेरिएबल ओवरहेड्स की वैल्यू एज्यूम कर ले के बीस रुपए थी तो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी बीस हजार आएगी लेकिन जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से सेम स्टॉक के यूनिट्स की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें हम फिक्स ओवरहेड्स को भी ओ ए आर के थ्रू शामिल कर देंगे यानी कि ये बीस से ज्यादा ही होगा लेट्स आप समझ कि पच्चीस है और अगर ये पच्चीस होगा तो आपके पास पच्चीस से दो हजार यानी कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी और हमेशा ज्यादा आपके क्योंकि इसके स्टॉक पे फिक्स कॉस्ट भी शामिल की जा रही होती है सो so, पे लिखा हुआ था मार्जर कॉस्टिंग लोअर क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशन देन इनवेंटिशनशन कॉस्टिंग इन ईयर नंबर टू बिल्कुल सही है टोटल प्रॉफिट ओवर द थ्री ईयर पीरियड विल बी सेम अंडर बोथ मेथड्स अगर हम दोनों मेथड्स की बात करें ना तो ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स ओवर अ पीरियड ऑफ थ्री इयर्स कंपनी ने पंद्रह हजार यूनिट्स ही बनाए हैं और पंद्रह हजार यूनिट्स ही बेचे हैं इन तीनों सालों के अगर आप अलग अलग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करोगे और देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि तीनों सालों के प्रॉफिट प्रोंग बिल्कुल बराबर आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के भी और मार्जिनल कॉस्टिंग के भी इस वजह से क्योंकि इन तीन सालों में जितनी प्रोडक्शन हुई उतनी ही सेल्स हुई इन अदरवर्ड इन अदरवर्ड अगर रिकनसीजेशन देखें तो देखे हमने जो एब्जोशन लिए कि भाई प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एब्जॉर्न कर लो कि हजार है तो प्रॉफिट एज पर मार्जिन कॉस्टिंग कितना है नाइन्टी अच्छा दूसरे साल में दूसरे साल में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम है यानी कि जितना यहाँ जितना यहां पर माइनस हो रहा होगा उतना ही यहां पर ऐड हो रहा होगा तो लेट्स से अगर ये एक लाख है और नीचे भी पांच हजार ही ऐड हो रहा है नीचे भी पांच हजार ही ऐड हो रहा है क्योंकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक हजार यूनिट्स मल्टीप्लाई और पांच का तो इसके पास दोनों का प्रॉफिट बिल्कुल सेम आएगा इस किस्ट में आपके पास दोनों का प्रॉफिट बिल्कुल ही सेम आ रहा होगा इसलिए क्योंकि जितना आपके पास माइनस होने वाला अमाउंट है उतना ही आपके पास प्लस होने वाला अमाउंट है आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो यूनिट्स हैं उसमें अगर फर्क नहीं है तो टोटल में भी फर्क नहीं होगा तीसरे केस में एज्यूम कर लो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक लाख है अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट जीरो है तो जीरो जीरो इंटू पांच जीरो इंटू पांच माइनस कुछ भी नहीं हो रहा होगा अरे एड क्या हो रहा होगा ओपनिंग स्टॉक है हजार यूनिट्स है हजार इंटू पांच यानी के पांच हजार एड हो रहा होगा तो होगा क्या ये पंद्रह हजार आ जाएगा अब अगर तीनों सालों की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में लाख लाख और दस हजार सॉरी एक लाख लेना था एक लाख एक लाख एक लाख तीन लाख का और मार्जिनल कॉस्टिंग में भी एक लाख एक लाख एक लाख नहीं बल्कि नाइनटी फाइव हंड्रेड और वन ओ फाइव यानी कि तीन लाख का इसकी जगह कोई और वैल्यूज रिज्यूम करें तो भी ऐसा ही होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि थ्री सही है टू भी सही है लेकिन जो वन है ना वो गलत है तो टू एंड थ्री इसका सही आंसर होगा

फिर आपने उसी बजट को 2000 यूनिट्स के लिए बनाया मिसाल के तौर तो आप पर आपने हजार यूनिट्स के बजट में ये लिखा हुआ था कि हजार चीजें बेचूंगा एक चीज दस रुपये की बिकेगी जब आपने इसको फ्लेक्स किया तो अब आप आपने बोला 2000 यूनिट्स अगर बेचता बेचूंगा आने वाले साल में और एक चीज दस हजार की दस रुपए की बिकेगी तो क्या होगा तो आपका सेल्स रेवेन्यू ज़ाहिर है वो बीस हजार पे चला जाएगा क्योंकि आप सेलिंग प्राइस एज्यूम कितनी कर रहे हो सेलिंग प्राइस आप एज्यूम कर रहे हो दस रुपए और यूनिट्स हमारे पास एक जगह पर हजार है और एक जगह पर बीस हजार है अच्छा इससे क्या बोले विच ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल डबल बिटवीन द टू आउटपुट लेवल्स जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो दोनों आउटपुट लेवल्स में डबल हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होगा देखिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पी एन एल बनाता हूँ लेट से हजार यूनिट्स का बजट बना है एक यूनिट की सेलिंग प्राइस रेज्यूम करें दस है तो जब हजार यूनिट्स का बजट बनाया तो ये दस हजार वैल्यू आई और जब आपने बीस हजार यूनिट्स का बजट बनाया तो ये दो हजार इंटू दस यानी कि बीस हजार आई फिर वेरिएबल कॉस्ट की बात कर लेते हैं करें कि हजार यूनिट्स हजार यूनिट्स की आठ के हिसाब से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आठ हजार है ठीक है जी और उसके बाद फिर अगर लेट से लेट से लेट से दो हजार यूनिट्स हैं और आठ रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है तो फिर ये वाले बजट में जो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो दो हजार इंटू आठ आएगी अच्छा कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके पास दो हजार होगी और यहां पर आपके पास कंट्रीब्यूशन चार हजार होगी देखिये सेल्स रेवेन्यू डबल है वेरिएबल कॉस्ट भी डबल है कंट्रीब्यूशन भी डबल है बजट अगेन आप बजटिंग का एक चैप्टर पढ़ोगे उसमें बजट को डिटेल से पढ़ोगे ये फ्लेक्स बजट का मतलब यह कि आपने पहले हजार यूनिट्स का बजट बनाया था और फिर आपने दो हजार यूनिट्स का बजट बनाया तो वो दो हजार यूनिट्स का बजट कैसा दिखेगा उन दो हजार यूनिट्स के बजट में आपके पास सेल्स रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ये सारी चीजें डबल हो रही हैं अच्छा फिक्स कॉस्ट रेट से यहाँ पर मैंने ज्यूम करी थी कि पाँच सौ रुपये होगी तो यहाँ पर भी मेरी फिक्स कॉस्ट जो मैं लिखूँगा वो पाँच सौ ही लिखूंगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूनिट्स के साथ इंक्रीज नहीं होती है लिहाजा जब मैं अपना बजट बनाऊंगा अगर मैंने हज़ार यूनिट्स के बजट में फिक्स कॉस्ट को पाँच सौ लिखा था तो दो हज़ार यूनिट्स के बजट में भी मैं फिक्स कॉस्ट को पाँच सौ ही लिख रहा हूँ और फिर फाइनली मैं अपने पास प्रॉफिट पर आ जाऊँगा अगर मैं यहाँ पर दो हज़ार में से पाँच सौ माइनस करता हूँ तो पंद्रह सौ बच जाता है और यहाँ पर अगर मैं चार हज़ार में से पाँच सौ माइनस करता हूँ तो पैंतीस सौ बचा था उसका सवाल था ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल्स नहीं, नहीं होगा उसकी रीजन से होगी वो हो जाएगी पांच सौ डिवाइडेड बाई हजार यानी कि जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पर आपके पास फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी पांच सौ डिवाइडेड बाई दो हजार यानी कि जीरो पॉइंट टू फाइव Total will the two total आपकी जो है, है. है? यहाँ की कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई यहाँ के यूनिट्स और इस जगह की कंट्रीब्यूशन जगह के यूनिट्स तो तो कोई डबल नहीं होगा टोटल कंट्रीब्यूशन बिटवीन दूर होगा इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉस्टिंग के सवाल करे कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने तो आसानी से सवाल कर सकते हैं आपका ख्याल रखिएगा अगली वीडियो में मजीद चीजें डिस्कस करते हैं थैंक यू सो मच अल्लाह हाफ़िज